way. सीरियल किलर्स डॉक्यूमेंट्री के आज के इस एपिसोड में हम आपको इस सीरियल किलर की जिंदगी की वो दास्तानें बताएंगे जिसके बाईस हिंदुस्तान का शहर चेन्नई कई बरसों तक गम और खौफ के बादलों से न निकल सका। इस सीरियल किलर की कहानी इतनी खौफनाक है कि लोग इस सीरियल किलर को चेन्नई का खौफ के नाम से जानते हैं। इस इंसान नुमा बेड़िए का खौफ इस हद तक फैला था कि किसी की उफ तक कहने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन किसी ने क्या खूब कहा है, जुर्म बस जुर्म है, हद से गुजर जाए तो मिट जाता है। और यही कुदरत के नियमों में से एक नियम भी है। और कहते हैं कि ऊपर वाले की लाठी बेआवाज होती है। यही कुछ हुआ इस सीरियल किलर के साथ। वही पुलिस जो कभी इन जुर्मों की हिस्सेदार समझी जाती थी, इसे हथकड़ियां पहनाकर फांसी घाट तक खींच लाई। जो पुलिस कभी इनके साथ मेहखानों में दोस्तियां निभाया करती थी, जेल में एक गिलास पानी इनको न पिला सकी। हर शातिर मुजरिम की तरह ऑटो शंकर ने भी अपनी जिंदगी एक मामूली से पेंटर की हैसियत से शुरू की। लेकिन इस मामूली से पेंटर को इसकी हिरस और लालच ने कब रिक्शा ड्राइवर और ड्राइवर से शराब का सप्लायर और सप्लायर से चेन्नई का दादा बनाया, कुछ पता ही नहीं चला। ऑटो शंकर का ताल्लुक मद्रास के एक गांव से था। अपनी ख्वाबों की दुनिया बसाने के लिए ऑटो शंकर ने मद्रास के सड़कों को जहन्नम बना रखा था। ये सब इसने सिर्फ 6 माह के कलील से अरसे में किया था। 80 की इब्तदाई दहाई में फिल्मी दुनिया का शौकीन ऑटो शंकर चेन्नई का सबसे बड़ा शराब का स्मगलर बन चुका था। ये इनके लिए काफी न था। ऑटो शंकर ने अपने छोटे भाई मोहन एल्डन और इनके दीगर करीबी दोस्तों के साथ मिलकर फ्लैश ट्रेड की दुनिया में कदम रखा। इस काम को शंकर के रक्षे ने निहायत ही आसान कर दिया। शंकर लड़कियों को मुख्तलिफ जगहों से सवारी के तौर पर उठाता और इन लड़कियों को जबरदस्ती फ्लैश ट्रेड की दुनिया में बसा देता। यह अपने दीगर साथियों के साथ मिलकर चेन्नई में खौफ का अलामत बन चुका था। कई मासूम लड़कियों की जिंदगी तबाह करने के बाद भी शंकर ने रुकने का नाम न लिया। जो लड़की इनकी चुंगल से भागने की कोशिश करती, इसे ये बेदर्दी से कत्ल कर देते। बहुत कम अरसे में ऑटो शंकर जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बन चुका था। अगवा किए गए लड़कियों को ये शहर के मुख्तलिफ ठिकानों पर बिठाकर इनसे धंधा करवाता था। पुलिस इनके आगे पीछे घूमती थी। इनकी ये बादशाहत सिर्फ चंद साल ही कायम रह सकी। सन 1989 में इनकी इस बादशाहत की गूंज आला सरकारी एवानों तक पहुंची और यहीं से इनकी तनाजुली शुरू हुई। चेन्नई पुलिस को इस वक्त के गवर्नर ने डायरेक्ट अहकाम जारी कर दिए कि इस खौफ के अलामत को जल्द से जल्द इबरत के निशान में बदल दिया जाए। इन अहकाम की रोशनी में डीआईजी जाफर अली ने ऑटो शंकर के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। एक के बाद एक जुर्म से पर्दे हटने लगे और इनके तमाम खास आदमियों को पुलिस हिरासत में लेकर सख्ती से जाँच शुरू कर दी गयी। बस इसके बाद क्या था, ऑटो शंकर की कई गैर कानूनी जायदादें सामने आ गईं और कई मासूम लोगों के कत्ल के राजों से भी पर्दे उठने लगे। हालात और कानून को अपने खिलाफ इन एक्शन देखकर एक महिला की मदद से ऑटो शंकर जेल से फरार होने में कामयाब तो हुआ, मगर जल्द ही पुलिस ने इसे वापस हिरासत में ले लिया। इब्तदाई जांच के बाद इसे अदालत में बेपनाह सबूतों के हमरा पेश किया गया। अदालत ने इनकी जराइम की दास्तानें सुनने के बाद 1995 में ऑटो शंकर इनके भाई मोहन और बहनुई एल्डन को सजाए मौत सुना दी गई और इनको इसी साल फांसी पर चढ़ा दिया गया। यूं ये लालच और हिरस से अंधे मुजरिम की जिंदगी एक पेंटर के रूप से शुरू होकर फांसी घाट के बेरहम दोरियों के बीच खत्म हो गई। दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।